हाई एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल कैसे हैं आप सब गाइज आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ होम रेमेडीज जिससे आपकी हाइपर पिगमेंडेशन दूर हो जाएगी हाइपर पिगमेंडेशन जनरली हमें माउथ के अराउंड होती है किसी को आईज के पास भी होती है हाइपर पिगमेंटेशन का मतलब होता है कि आपको कहीं कहीं डार्क स्पॉट्स आ गए हैं कहीं कहीं डार्क पैचेस आ गए हैं जनरली माउथ का जो एरिया होता है वो बहुत ज्यादा डार्क होना स्टार्ट हो जाता है उसे बोलते हैं हाइपर पिगमेंटेशन सो यहाँ पर कुछ रीजन होते हैं जो हम देखेंगे साथ में कुछ हम रेमेडीज भी देखेंगे सो so, स्टार्ट करते हैं अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथ में बेल बटन है उसे क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे सो लेट्स गेट स्टार्टेड सो so, सबसे पहले बात कर लेते हैं रीज़न जिनकी वजह जिन से हमें हाइपर पिगमेंटेशन होती है हाइपर पिगमेंटेशन आपको किसी भी एज में हो सकती है ये जनरली यू होती है तो है फोर थर्टी फाइव के अबव एजेस वालों को लेकिन उससे पहले टीन को भी अभी होने लगी है उनका जो माउथ के साइड का एरिया है वो डार्क होना स्टार्ट हो जाता है क्योंकि अब मार्केट में बहुत ज्यादा केमिकल प्रोडक्ट आने लगे हैं सब फेयरनेस की चीजें यूज करते हैं सब मेकअप प्रोडक्ट यूज़ करते हैं जिसकी वजह से आपको भी हाइपर पिगमेंटेशन हो सकती है जनरली जो हाइपर पिगमेंटेशन का मेन रीजन होता है वो होता है वेदर कंडीशन कई बार

तो हाइपर पिगमेंटेशन एक सन एक्सपोजर की वजह से भी होती है दूसरा मेन रीज़न है हाइपर पिगमेंटेशन का वो है मेडिकेशन आप कुछ बहुत लंबे टाइम से कोई मेडिकेशन ले रहे हो कोई दवाइयाँ ले रहे हो उसमें थोड़ा जो कैफीन है वो ज़्यादा है उसकी वजह से भी आपको हाइपर पिगमेंटेशन हो सकती है थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न वो है एज थर्टी फाइव के अबाव हर लेडी को हाइपर पिगमेंटेशन होना स्टार्ट हो जाता है किसी को थोड़ा होता है कोई ज़्यादा स्किन केयर करता है तो उसको थोड़ा लेट होता है लेकिन थर्टी फाइव एक जनरली मिडल एज है जिसके बाद आपको हाइपर पिगमेंटेशन होने लगती है ये तो हो गई रीजन हमें हाइपर पिगमेंटेशन क्यों होती है अब बात कर लेते हैं कि हम इसे कैसे ठीक कर सकते हैं यहां पर जो मैं थोड़े से मेथड बताने वाली हूँ वो क्विक मेथड है सबसे फर्स्ट एक्सपोलियट योर स्किन डेली सो मतलब डेली का मतलब ये नहीं है कि हर रोज आपको अपनी स्किन को सुबह अच्छे से वॉश करना है सी रूटीन आपको अच्छे से फॉलो करनी एंड देन आपको हर वीक में दो बार स्क्रब करना है इससे क्या होता है कि वो डेड लेयर है वो रिमूव होने स्टार्ट हो जाती है ये थोड़ा लेंथी प्रोसेस है ऐसा नहीं है कि आपको एक ही दिन में इसका रिजल्ट दिख जाएगा स्क्रब आप डेली यूज करते हो लाइक हर वीक में दो बार यूज़ करते हो तो आपकी स्किन बहुत ग्रोइंग और साथ में वो जो टैनिंग की प्रॉब्लम है वो रिड्यूज हो जाती है हाइपर पिगमेंटेशन भी बहुत रिड्यूज होती है दूसरा मेन रीज़न है स्किन ब्राइटनिंग क्रीम आप ऐसी अपने डेली रूटीन में क्रीम यूज करें जिसमें ग्रेप सीड सीडोन हो और विटामिन सी हो लेमन एक्सट्रैक्ट हो ये आपकी स्किन को लाइट एंड ब्राइट बनाने में हेल्प करती है लाइक आप जो विटामिन सी रेंज चलती है किसी कंपनी की किसी स्किन केयर में आप वो ट्राई कर सकते हैं आप ऑरेंज पेल ट्राई कर सकते हैं फेस पैक यूज़ कर सकते हैं साथ में आप ग्रीन हिप सीड वाली जो रेंज चलती है वो यूज़ कर सकते हैं आप प्लम की जो ग्रेप सीड है वो रेंज यूज़ कर सकते हैं इस रेंज ने मेरी मम्मा के फेस पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाला है मेरी मम्मा को बहुत ज़्यादा हाइपर पिगमेंटेशन थी लेकिन जब से वो ग्रेप सीड वाला सीरम यूज़ कर रही है स्पेशली तब से उनकी हाइपर पिगमेंटेशन बहुत कम हो गई है लार्ज पोर्स की प्रॉब्लम थी वो भी रिड्यूज़ हो गई है आप विटामिन सी रेंज यूज़ कर सकते हैं जो वाओ ने लॉन्च करी है आप मामा अर्थ के भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप कोई भी अपने पास जो आपके पास अवेलेबल हो वो विटामिन सी रेंज यूज़ कर सकते हैं एंड लेमन एक्सट्रैक्ट वाली चीज़ यूज़ कर सकते हैं थर्ड रीज़न है आप लेज़र ट्रीटमेंट करा सकते हैं अगर आपके फेस पे बहुत ज़्यादा हाइपर पिगमेंटेशन है और वो दूर ही नहीं हो रही है तो आप लेज़र ट्रीटमेंट भी करा सकते हैं लेज़र ट्रीटमेंट जनरली बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है मिडल एज वाले जो टीनेजर्स हैं उनको लेज़र नहीं कराना होता क्योंकि वो स्किन को थोड़ा सा हार्म कर देता है इसलिए अगर आपकी एज थर्टी फाइव से अबव अब है तभी आप लेज़र ट्रीटमेंट कराएं एंड ये थोड़ा सा कॉस्टली प्रोसेस है तो बिगिनर्स ना ही कराएं तो ही अच्छा है फोर्थ होती है ऑइंटमेंट क्रीम आप अपने किसी भी गायनी से कंसल्ट कर सकते हैं या फिर जो स्किन रिलेटेड डिसीज के जो क्लिनिक होते हैं वहां पर जाके आप ऑइंटमेंट ले सकते हैं तो वो आपको बेटर ऑइंटमेंट सजेस्ट करेंगे मार्केट में बहुत सारे ऑइंटमेंट अवेलेबल है जो स्किन के रैशज के लिए स्किन की पिगमेंटेशन के दूर करने के लिए यूज होते हैं इन्हें आप सिर्फ प्रिस्क्राइब मेथड पे ही लें ऐसा न हो कि आपने कहीं से एड देखिए और आप उसे परचेज करने चले गए सबकी स्किन टाइप अलग होती है सबका नेचर अलग होता है सबके स्किन सहने का तरीका अलग होता है स्किन बेरेबल कैपेसिटी अलग होती है तो इसमें आप सजेस्ट करें कि आप डॉक्टर के पास जाए तभी आप उनसे कंसल्ट करें फिफ्थ है आप ऐसा सीरम यूज़ करें जिसमें साइक्लिक साइलिसलिक एसिड हो हाइडोक्लोनिक एसिड हो गाइग्लो एसिड हो ये एसिड ऐसे होते हैं जो केमिकल पीलिंग में हेल्प करते हैं ये एकदम आपके स्किन को पील नहीं करते धीरे धीरे ओवर द टाइम आपके स्किन को पील करते हैं जिसकी वजह से आपके फेस पे जो भी हाइपर पिगमेंटेशन है वो रिड्यूस हो जाएगी अब बात कर लेते हैं होम रेमेडीज की यहाँ पर मेरे पास बहुत सारी होम रेमेडीज है जो मैं आपके यहाँ शेयर करने वाली हूँ ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है ये हर स्किन टाइप को सूट हो जाएगी चाहे आपकी ऑयली स्किन हो ड्राई स्किन हो कम्बिनेशन स्किन हो कोई स्किन हो फर्स्ट रेमेडी के लिए आपको चाहिए रोज वाटर यहाँ पर मैं यूज कर रही हूँ खादी हर्बल्स का रोज वाटर दो टेबल स्पून आपको कोई भी अपना गुलाब जल लेना है उसमें आपको हल्की सी पिंच ऑफ टर्मरिक ऐड करनी है अगर आपके पास वाइल्ड टर्मरिक होगी तो वो ज़्यादा अच्छी है इन दोनों को आपको अच्छे से मिक्स करना है एंड ये आपको वाटर बन गया है इसे आप डेली यूज करेंगे सो ऐसी कंसिस्टेंसी आएगी इसको आप किसी ब्रश की हेल्प से अच्छे से अप्लाई कर पाएंगे या फिर आप इसे रुई से भी अप्लाई कर सकते हैं पूरे फेस पे आपको इसे अच्छे से अप्लाई करना है एंड ये आपके पिगमेंटेशन के साथ साथ आपके स्पोर्ट्स को भी लाइट करने में हेल्प करेगा साथ में अगर आपको कहीं पर एक्ने हो रहे हैं तो उसको भी ये ठीक करने में हेल्प करेगा सो so, पूरे फेस में मैंने अप्लाई कर लिया 15 मिनट्स के लिए मैं इसको छोड़ दूंगी आफ्टर 15 मिनट्स ये थोड़ा सा ड्राई हो गया है देख सकते हो उसके बाद मैंने इसे हल्के पानी से वॉश कर लिया है लाइक नॉर्मल वाटर से एंड आप देख सकते हो स्किन कितनी ज़्यादा ब्राइट एंड ग्लोइंग हो होगी सिर्फ एक टाइम के यूज़ से आपको ये डेली यूज करना है आप मॉर्निंग या इवनिंग कभी भी कर सकते हैं सो यू कैन सी माई स्किन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये वाला दूसरे के लिए आपको चाहिए ग्राम फ्लावर यहाँ पर मैं बेसन यूज़ कर रही हूँ तो ये दो चम्मच मैं लूँगी आपके पास जैसा भी हो मोटा पतला आप कैसा भी बेसन ले सकते हैं दो से तीन चम्मच आपको बेसन लेना है उसमें आपको ऐड करना है दूध इन दोनों की कंसिस्टेंसी बनाने के लिए जितनी चम्मच आपको दूध चाहिए आप उतना ले सकते हैं यहाँ पर मैंने रॉ मिल्क यूज़ करा है उसमें आपको हल्की सी पंच ऑफ टर्मरिक ऐड करनी है इन तीनों को भी आपको अच्छे से मिक्स करनी है एक पेस्ट बनेगा ज़्यादा लिक्विडी आपको ये नहीं रखना है जस्ट मीडियम जितनी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए उतनी आपको रखनी है सो so, ये बन गया है पेस्ट इसको भी मैं सेम ब्रश की हेल्प से अप्लाई कर रही हूँ सो so, इससे पहले आपको अपने फेस को अच्छे से क्लीन करना है फिर इसे अप्लाई करना है इसको आपको ऑल्टरनेटिव डे पे अप्लाई करना है इसे आप फेस वॉश के टाइम भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इससे काफ़ी अच्छे से आपकी स्किन लाइटन होती है ब्राइट होती है साथ में आपकी स्किन को ये सफल बनाने में भी हेल्प करता है मैंने इसे पूरे फेस पर ब्रश की हेल्प से ही अप्लाई करा है ये फिंगल की हेल्प से इतनी ज़्यादा अच्छी तरह से नहीं अप्लाई होते हैं उसके बाद आपको ये जस्ट 20 मिनट्स के लिए रखनी है 20 मिनट्स के बाद ये ड्राई हो जाएगा देख सकते हो उसके बाद मैंने इसे प्लेन वाटर से वॉश कर लिया आप देख सकते हो इन पैक को जब मैं वॉश कर रही हूँ तो स्किन कितनी ज़्यादा ब्राइट एंड ग्लोइंग हो रही है बिल्कुल क्लियर ही हो जाती है एंड जो आपकी पिगमेंटेशन है वो भी एक ही टाइम से आपको कम नज़र आने लगेगी थर्ड और लास्ट के लिए आपको चाहिए यहाँ पर चावल का आटा या फिर आप चावल को ग्राइंड भी कर सकते हैं दो चम्मच मैंने यहाँ पर चावल का आटा लिया है दो चम्मच हम रेगुलर जो आटा लेते हैं गेहूं वाला वही आपको लेना है व्हीट फ्लार उसमें आपको डालना है टू टू थ्री टेबल स्पून रॉम मिल्क यस आपको रॉ मिल्क ही डालना है और इसको आपको अच्छे से मिक्स करना है कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह की बनेगी आप देख सकते हो ज़्यादा लिक्विडी ज़्यादा हार्श वो हार्ड वाली नहीं है इसे भी मैं ब्रश के हेल्प से अप्लाई करूंगी मैंने अगेन फेस को क्लीन कर लिया और फिर इस पैक को अप्लाई कर रही हूँ इसमें हमने चावल का आटा डाला है वो आपके स्किन को एक्सफोलिएट करने में हेल्प करेगा लाइट करेगा ब्राइट करेगा और गेहूं का आटा बहुत ज़्यादा अच्छा होता है अगर आपके फेस पे या फिर आपकी बॉडी पे कहीं पिगमेंटेशन है डार्क पैचेज़ है उसको ये बहुत अच्छे से लाइटन अप करने में हेल्प करता है सो इसमें हमने फिर दूध डाला हुआ था जो ठंडा होता है आपके फेस पे अगर इचीनेस है तो उसे भी रिड्यूस करने में वो हेल्प करेगा सो ऑल ओवर मैंने फिर फेस पे अप्लाई कर लिया आप देख सकते हो उसके बाद आपको इसे भी 20 मिनट के लिए छोड़ना है 20 मिनट के बाद ये ड्राई हो गया यू कैन सी अब फिर से मैंने इसे प्लेन वाटर से वॉश कर लिया इन पैक को वॉश करते नाम हम आपको प्लेन वाटर ही यूज़ करना है एंड आप स्किन देख सकते हो कितनी ज्यादा ग्लोइंग है और पिगमेंटेशन आप मेरी लिप्स के पास देख सकते हो बहुत कम हो गई है सो so गाइज अगर आप इन होम रेमेडीज को ट्राई करते हैं तो आपको डेफिनेटली वन टाइम में इसका रिजल्ट दिख जाएगा मैंने आपके साथ यहाँ पर लाइव रिजल्ट भी शेयर करा ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है एंड नेचुरल भी है सो so यही थी मेरी आज की वीडियो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहे तो मेक्स्यू sure वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर